What does the graph say? Good morning friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 20th February 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:19 हो रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। ये वीक पूरी तरह से बेयर्स ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। ज़रा भी रिकवरी आ रही है तो फिर भी एट द एंड ऑफ द मार्केट फिर से बेयर्स हावी हो रहे हैं। कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया भर में एक फियर का माहौल क्रिएट किया हुआ है। इटली, यूरोप के बाद अभी यूएस ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। तो कोरोना वायरस के वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है इसके ऊपर काफ़ी असर गिर सकता है। तो इन्वेस्टर्स के बीच में फेयर्स है, ट्रेडर्स के बीच में फेयर्स है। कल भी डाउ देखे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की गिरावट हमें डाउ जोन्स में देखने को मिली। तो आज निफ्टी में हर एक दिन हम सपोर्ट कहाँ पर है, मेजर सपोर्ट कहाँ पर है ये आइडेंटिफाई करते हैं। निफ्टी इंडेक्स वहाँ पर ही आके सपोर्ट के पास एक पॉज लेता है, लेकिन दूसरे दिन फिर से एक गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ ये मूव कर रहा है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। तो ये एक पिक्चर है कल का, यानी 27 फरवरी आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11635 के पास। ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स जैसे ही ओपन हुआ टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव हुआ और हमारा ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11619 और सेकेंड टारगेट 11600 ये भी अचीव हुआ। बाद में निफ्टी में रिकवरी की एक कोशिश देखने को मिली और जहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन लेवल था उसी के पास आके ये ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। तो एक हैमर जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न निफ्टी के डेली चार्ट में बना हुआ है। तो कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और टेल नोट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो यह था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते। कल यूएस मार्केट नाजडेक देखे तो 400 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। पूरे वीक वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। आज भी एशियाई बाजार ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स 700 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। चाइना मार्केट में भी 76 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कोरोना वायरस के वजह से काफ़ी ज़्यादा फियर मार्केट में देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो अभी फिलहाल वहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। एक छोटा सा बाउंस बैक आया है डाउ फ्यूचर में। तो देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या लेवल्स हो सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे। ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी का। जैसे हमने कुछ दिनों पहले निफ्टी का चार्ट भी एनालिसिस किया था मंथली चार्ट, तो वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो लास्ट 2 ईयर्स का ये रेंज है ऊपर प्राइस एक्शन में देखे, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर ऊपर हायर हाईज बन रहे और इसे अगर हम आरएसआई के साथ कंपेयर करें तो आरएसआई हायर हाईज नहीं बना रहा है, आरएसआई लोअर हाईज बना रहा है। ये क्लियर कट डाइवर्जन है, निगेटिव डाइवर्जन है। अगर ऊपर प्राइस एक्शन में हायर हाईज बन रहे तो आरएसआई जो हमें बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ दिखाता है इसे भी सेम एक्शन दिखाना होगा। अगर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ कंपेयर टू बेयर्स के स्ट्रेंथ से काफ़ी कम है, तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हायर हाईज बन रहे हैं लेकिन आरएसआई में लोअर हाईज कंटिन्यू बन रहे हैं, तो यहाँ पर बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर हमें अभी फिलहाल हर एक ऊपरी लेवल से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम देखें 2016 से या अभी तक 20 EMA के नीचे नहीं आया है, तो ये करेक्शन अगर 20 EMA के नीचे चला जाता है टेक्निकली तो यहाँ से काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अगर 20 EMA इस समय 28,894 के पास आ रहा है, यानी 900 पकड़ लेते हैं 28,900, इसके नीचे चला जाता है तो और भी मुश्किल हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो मंथली चार्ट में निगेटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई के। वीकली चार्ट देख लेते, यह है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट।
ये अभी ऑलमोस्ट सपोर्ट के लेवल के पास है। यहाँ पर 50 EMA का जो बाउंस बैक लिया था बजट होने के बाद, फिर एक बार 50 EMA के पास आ गया है। अब ये 50 EMA को अगर ब्रेक करता है यहाँ पर, यानी 29,900 को अगर ब्रेक करता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है यहाँ पर, जहाँ पर ये स्विंग लो बना था, ये यहाँ पर 27,775 काफ़ी दूर है ये, लेकिन यहाँ पर हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर ये 50 EMA को वीकली चार्ट में ब्रेक करता है तो। आज वीक का लास्ट दिन है, वीकेंड में क्या ओवरनाइट एक्शन होते हैं दुनिया भर में, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक का प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये सपोर्ट को बरकरार रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो कल बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 200 डेज का ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है ग्रे लाइन, इसी के पास आके क्लोज हुआ है और हैमर कैंडलस्टिक का पैटर्न इसने बनाया। तो हैमर कैंडलस्टिक जब भी डाउन ट्रेंड में आता है तो उम्मीद की जाती है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिले। हालांकि जो ग्लोबल मार्केट में अभी सिनारियो है, काफ़ी प्रेशर है, तो लगता नहीं कि ये पैटर्न जो बना है ये 100% श्योर होगा। यहाँ पर 100% तो कोई भी पैटर्न श्योर शॉट नहीं रहता, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो अभी फिलहाल 50-50 की है। यहाँ पर ये पैटर्न अगर ऐसा बनता है डाउन ट्रेंड में तो बाउंस बैक की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन ग्लोबल क्यूज जो है वो काफ़ी निगेटिव है इस समय। तो 200 डेज का ये जो सपोर्ट है ये अराउंड अभी 30,180 के पास है, ये ब्रेक होता है तो नीचे, जहाँ से इसने ये बजट के वक्त बाउंस बैक दिखाया था 29,600 यहाँ पर मेजर सपोर्ट होगा एज पर डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में 29,600 के पास सपोर्ट है और ऊपर अगर ये मूव करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 20 EMA का होगा, जो कि अराउंड अभी 30,766 के पास है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेकर हम अपना ट्रेडिंग प्लान बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का एनालिसिस करते वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट जैसे कि बैंक निफ्टी का देखा, निफ्टी का भी ओवरऑल सिमिलर होता है। तो यहाँ पर भी 50 EMA के पास अभी ये सपोर्ट ढूंढ रहा है, जहाँ पर 11,600 का ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा था लास्ट टाइम, यहाँ से भी ये बाउंस बैक हुआ था। तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से ये बाउंस बैक हो। अगर ये जो यहाँ पर अभी स्विंग लो बना है ये ऐसे, तो अगर इसको ब्रेक करता है आने वाले समय में तो यहाँ से और भी टूवर्ड्स साउथ की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड का पैटर्न ये ऐसे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो यहाँ से और भी टूवर्ड्स साउथ की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऊपर जाते वक्त फर्स्ट हर्डल होगा 20 EMA का, जो कि अराउंड अभी 11,900 के पास है। तो ये होगा रेजिस्टेंस का लेवल और अभी फिलहाल 11,600 क्रूशियल सपोर्ट है। जैसे देख रहे हैं ZX निफ्टी 200 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, हो सकता है काफ़ी एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन हो। तो देखते हैं निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसके पहले डेली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट में इसने 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया और यहाँ भी डेली चार्ट में ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जैसा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। जैसे कि हैमर कैंडलस्टिक बनता है तो उम्मीद की जाती है कि बाउंस बैक का मूव यहाँ पर देखने को मिले। तो ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये काफ़ी गिरावट आई है, तो जो भी अपसाइड मूव आता है बाउंस बैक आता है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी फेज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ये कल का लो अगर ब्रेक करता है, यानी 11,536 के नीचे चला जाता है ये, तो नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर इसने ये गैप अप ओपन दिया था, एक्सट्रीम गैप अप ओपन दिया था 11,380 के पास। नेक्स्ट सपोर्ट होगा अगर 11,536 को ब्रेक करता है तो, और ऊपर जाते वक्त 200 डेज का ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि 11,687 के पास है, यानी 700 पकड़ लेते। RSI में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ये हमने 4-5 वीडियोज में डिस्कस किया था, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश टू बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, और इसके नेक लाइन का भी इसने ब्रेकडाउन यहाँ पर दे दिया था। तो सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव है, सपोर्ट के लेवल्स के साथ आपका ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर आप बना सकते हैं। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे।
यहाँ पर अगर 60 मिनट के चार्ट में RSI वर्सेस प्राइस एक्शन को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन में अभी लोअर लोज बन रहे, लेकिन यहाँ पर अगर RSI को देखें तो सिमिलर लोज यहाँ पर बने हुए, यानी यहाँ पर लोअर लोज नहीं बने, यहाँ पर लोअर हाईज बनने की कोशिश है। एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये ऐसे। तो यहाँ पर RSI और वर्सेस प्राइस एक्शन की ये जो मूव है ये पॉजिटिव डाइवर्जन है। यहाँ पर दिखाई दे सकता है कि यहाँ पर हमें बुल्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है कंपेयर टू बेयर्स। तो यहाँ पर हो सकता है एक बाउंस बैक देखने को मिले, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी फेज हो सकता है। इसको अभी अब ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से फिर से रिकवर हो सकता है निफ्टी, ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल अभी आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये देखते हैं। तो अगर निफ्टी इंडेक्स जैसे कि ग्लोबल मार्केट के सिनारियो है, अगर ये जो S1 का लेवल है यानी 11,558 इसके नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,535, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,510, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो ये जो कल का हाई है यानी 11,663 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,686, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,703, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।